पूरा पानी हो जाता है तो भागते हैं बांध पर। अब कोई दिक्कत है खाना पीना के ओढ़ना बिछावना के देखते बने झोपड़ा झोपड़ी में बांध जा चिमकी तान के बनी जा। एक दिन मिलता है एक दिन नहीं मिलता है। तो क्या बांधे पर तो रहते हैं उदय में आ सब घर डूबा है। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना शहर के सबसे उत्तरी इलाका है ये माहौल देखिए यहाँ का बिंद टोली जगह का नाम है। एक एक घर आपको चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ नजर आएगा। दो तीन दिन पहले आलम ये था कि यहाँ पर कमर भर से ऊपर पानी हर एक घर में हुआ करता था। जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त। जो लोग थे वो घरों को छोड़कर ये देखिए इधर आ चुके हैं। ये मरीन ड्राइव है पटना का सबसे कहा जाता है कि अभी इस वक्त का सबसे ज़्यादा बड़ा टूरिस्ट प्लेस है मरीन ड्राइव है। और यहाँ पर अब ये लोग जो है वो अपना आसरा बनाए हैं। और व्यवस्था देख लीजिए किस प्रकार से प्लास्टिक का टेंट गिरा हुआ है। और गर्मी पता है आप लोगों को और बारिश कभी भी आ जाती है। आज भी बारिश को लेकर अलर्ट है। यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि किन परिस्थितियों में वो लोग रहते हैं और क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएँ जो की गई है। क्या नाम हुआ? सुमिंद्रा देवी। इधर रहते हैं? तो क्या बांधे पर तो रहते हैं उदय में आज सब घर डूबा है। कुछ दिया है हमको। क्या माहौल था जब यहाँ पानी आ रहा था? कैसा पानी वगैरह था यहाँ पे? भी पूरा पानी हो जाता था भागते हैं बांध पर। तो वहाँ से भाग के आप लोग इधर बांध पे आ गए? हाँ यहीं पर आ गए। तो यहाँ पर मतलब सब कुछ व्यवस्था मिल रहा है सरकार? हमने के कुछ नहीं मिला है। हमारा कुछ नहीं मिला है कुछ नहीं। एगो चूरा ताज नहीं दिया है नहीं एगो चिमकी दिया। यही ना उदय में है जी। उसमें रह रही हैं? हाँ यही में रह रहे हैं। उसमें तो जगह ही नहीं है प्लास्टिक। वही लेखा कह के अथी कर लिए हार डाल के वहाँ ले गए लिए। क्या करे बताइए पानी आएगा तो वही में रहेंगे बिना चिमकी के बिना बांस के? है व्यवस्था? उतना दूर में सरकार के आँख है इतना दूर में नहीं है बताइए। सरकार तो कह रही है कि पूरा व्यवस्था हम तो कहाँ है आँख देखिए कोई के भेजिए। कुछ के नहीं मिला है हमको। हमारा कुछ नहीं मिला है। खाना पीना कुछ नहीं? कुछ खाना देता है 2 बजे कभी कल। 2 बजे? हाँ 2 बजे। रात में देता है 12 बजे 11 बजे। रात में 12-11 बजे? हाँ। घर में बच्चे होंगे उतना बजे? हाँ था तो खिलाते हैं कुछ किन उनके क्या करें किन के खिलाते हैं। हाँ था। चलिए और भी एक परिवार है उसका भी एक अपना अलग दर्द है। यहाँ पर सामने एक महिला नजर आ रही होगी। वो महिला जो है वो पेट पे है उनकी सास है ये उनसे बातचीत करते। क्या नाम है? कुसुम देवी। ईजा पर रह रही है। दिक्कत की है ईजा अपने सबके? सबको दिक्कत है खाना पीना के ओढ़ना बिछावना के देखते बने झोपड़ा झोपड़ी में बांध जा चिमकी तान के बनी जा। ये तो दिक्कत बा सब खाने के एक टाइम मिलता है एक टाइम नहीं मिलता है खाने के लिए। अहाँ के पतो बनी? हाँ यहाँ के पतो बनी। तब मतलब क्या हुआ पेट से बनना? हाँ पेट से 4 महीना के। तब कोई दिक्कत उक्कत यहाँ पर कहे कि बांध पर बारे ओकरा में सब खुला बा यहाँ पे? तो खुला बा ना देखते बने खुला बा सब बांध पर बढ़ कल में बेटी पतो सब लेके वर्षा हो के दिक्कत बा ना छेद बा चुएला सब घर दुआर सब चुएला रोड पर खाई ना जाए तब कौन व्यवस्था कर जाए। सरकार दिए तब ना व्यवस्था कर जाए। कहाँ से व्यवस्था कर जाए गरीब दुखिया बन जाता? नीतीश कुमार तो कहलन कि बहुते कहाँ नीतीश कुमार कहले बो नीतीश कुमार कर रहतन तो बेटी पतो लेकर रोड पर रहती जा कि देता नीतीश कुमार नहीं कहाँ देता। तो जो बहू है इनकी उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा नाम। पेट से हैं इस स्थिति में यहाँ पर रह रही हैं समस्या हो रही है? हाँ समस्या। यहाँ बारिश का मौसम है छेद है जब वर्षा आता है तब कहाँ जाती हैं आप लोग? यही में रहते हैं। कहाँ जाए यही में रहते हैं। इस स्थिति में स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है? भीगने पर तो तबीयत वगैरह खराब हो जाती होगी? होती है। खाना पीना मिल रहा है टाइम से? एक दिन मिलता है एक दिन नहीं मिलता है। एक दिन मिलता है एक दिन नहीं मिलता है? एक टाइम मिलता है एक टाइम नहीं मिलता है। एक टाइम मिलता है एक टाइम नहीं मिलता। देखिए तो समस्याएं हैं। सुदूर इलाके की बातचीत करें तो वहाँ पर सुविधा पहुँचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन ये जो बिंद टोली है राजधानी के बहुत नज़दीक है और कहें तो राजधानी का सबसे उत्तरी हिस्सा है। और मरीन ड्राइव जो है यहाँ पर बड़े बड़े VIP लोगों का आवागमन हमेशा रहता है। इन सब के बावजूद यहाँ पर जो सुविधाएँ हैं मैंने दिखाया आपको किस प्रकार से एक गर्भवती महिला है बारिश का मौसम है टेंट में छेद है और उसके बावजूद यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। पटना से प्रशांत कुमार।